अगला जो प्रश्न है वो युवा पीढ़ियों से संबंधित है और हमारे बीच में पूनम माता जी हैं। आज मेरी दोपहर में बात हो रही थी तो आपने बताया कि स्कूल में कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ ये प्रश्न लेकर के। युवा पीढ़ी जो कि आध्यात्मिकता से विमुख होकर भौतिकता तथा नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? अशोक भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये आज का विषय है, वर्तमान का विषय है। हम पूर्व में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें वर्तमान पीढ़ी को संवारना है। हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं, आज हर के हाथ में मोबाइल है, वो तथ्य जानना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं, ऐसी बात क्या नहीं पढ़ते हैं। हमारे संपर्क में बहुत से बच्चे हैं और हम उन्हें कुछ बताएं तो वो तुरंत देखते देखते, दीदी ऐसा तो नहीं है, दीदी ये तो नहीं है, भगवान ने तो ये कहा है, गीता में तो ये है, भागवत में ये है, ये तो क्रॉस हो रहा है दीदी, तो कौन सी बात सत्य है। तो हमें सत्य को वहाँ तक पहुँचाना होगा, झूठी बातें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चे आजकल। वैज्ञानिक बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मानते हैं कि सत्य है, वास्तव में धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या हो उसको हमें बताने, वो भ्रम में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं दीदी अभी तो आप कह रही हो सात सोमवार का व्रत रखो तो ये मिल जाएगा, वो व्रत रखो तो वो मिल जाएगा, हनुमान जी या ये हैं, तो वो भ्रमित हैं। उन्हें एक उद्देश्य चाहिए। वो कहते हैं अभी तो हम अपने करियर को लेके परेशान हैं, चाचा जी कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहे हो इंजीनियर बन जाओ, और आप हमें धर्म में भी अगर इसी तरह से डालोगे तो हम तो कन्फ्यूज हैं, हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। तो बच्चे सीखने को तैयार हैं, हवन करते हैं हमारे साथ बैठ के, वेदों को मानते हैं, हवन कहते हैं सत्य है, हवन पर्यावरण सुरक्षित होगा हमारे दिल्ली, हम आएंगे हर रविवार को हमारे यहाँ हवन होता है। छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें पता नहीं है पर्यावरण क्या है, लेकिन वो भी आते हैं और 18 साल का लड़का भी आ रहा है और 55 साल के अंकल भी आ रहे हैं और 80 साल के अंकल भी आ रहे हैं। मिलजुल के हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यज्ञ से उन्हें पता है धुआं फैलेगा, आरोग्य होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, तो ये हमें पता चलना चाहिए। अब बच्चे उत्सुक हैं, इस समय धर्म की बाढ़ आई हुई है, लेकिन उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है, वो युवा भटक रहे हैं, धर्म के नाम पे उनको उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें वास्तविक धर्म को बताने के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से आप उन्हें नहीं मना सकते, तथ्यों को देना पड़ेगा, आर्ग्यू करते हैं उनका निवारण करना पड़ेगा, और निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आजकल आप बच्चे हैं मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, और आश्रम वास्तव में होने चाहिए, गुरुकुल में ही पढ़ाई होनी चाहिए। बड़े बड़े मंचों पे लोग कह देते हैं कि हमारे युवा हैं भटक रहे हैं, तो आप उन्हें पढ़ा क्यों नहीं रहे? इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, सुबह वो प्रेयर करते हैं, शाम को आप कहें यज्ञ करो, 24 घंटे हैं, वो क्या क्या करेंगे? क्रिकेट भी खेलो, खिलाड़ी भी बनो, योग भी करो, साधनाएँ भी करो, एक बच्चा क्या क्या कर लेगा? आप उस पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, तो वो भटक रहा है, तो वो नकारा हो जा रहा है, फिर वो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, वो नशे में जा रहे हैं, कन्फ्यूजन में सिर्फ। तो हमें बहुत एहतियात से इस समय क्या कहना चाहिए, संक्रमण की स्थिति है, हमारी युवा पीढ़ी को बहुत एहतियात से हमें अगले 10-20 सालों तक लेके जाने, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आगे स्वामी जी बताएंगे जो भी है सबको। दीदी की बात के साथ आगे बढ़ाऊंगा मैं कि वास्तव में युवा पीढ़ी को आज एक सही दिशा की जरूरत है, और दीदी ने भी कहा था पर्यावरण, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का वातावरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। तो युवा शक्ति को भी आज जो संस्कारों की जरूरत है, जो सही संस्कार मिले उनको, वो संस्कारों को मजबूत करने के लिए हमें बेहतर ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान उनको या उनकी शुरुआत परिवार से है। कोई भी युवा पीढ़ी है तो किसी भी ज्ञान की शुरुआत परिवार से स्टार्ट होता है उसका, तो क्यों ना हम सब शुरुआत परिवार से ही करें। तो परिवार में जब संस्कार डेवलप हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे युवा जो है उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य तक वो ज्ञान भी वृद्धि करता है। तो मेरा तो मानना है कि पहले शुरुआत परिवार से, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के आकलन से चालू करें, और फिर परिवार को वो अपने ज्ञानार्जन से लाभान्वित करावें, और फिर वो एक दिशा में युवा वर्ग को आगे लेके चलावें, तो इससे देश निरंतर उन्नति की पूरा संभावना रहेगी।
कुछ सकारात्मक तथ्य ये भी हैं आपके सामने बहन जी कि वर्तमान में कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिनके युवा बिल्कुल हमारी सच सनातन संस्कृति को प्रसारित करे हैं। कुछ नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारा इस्कॉन है, आज बहुत सारे उसमें युवा होते हैं विदेशों तक में। उसके बाद हम गायत्री परिवार देखें, उसके बाद हम कृपालु महाराज जी का देखें, उसके बाद हम और भी बहुत सारे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उन सबको सामूहिक कर सकें तो यह हमारी पहल हो सकती है कि किसी सूरत से फिर वही है ज्ञान हम फिर वेदों की तरफ लेके चले। ठीक है, फिर वही, ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे युवा और करोड़ों में संख्या, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप कुछ भी चाहे कह लें, मात्र गीता के आधार पर जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भूचाल ला दिया, कई बार अदालत में बैंड तक लग गया। हम वेदों को इतनी तेजी से नहीं प्रचारित कर पाए, लेकिन उस एक बंदे ने, वो आपके सामने है सब। तो मेरा कहने का मतलब एक ये है कि अगर हम उन्हीं बातों को अपने पास आकर्षित करके, उन्होंने क्या करा, कॉलेज कॉलेज प्रीचिंग करी, छोटी छोटी पतली पतली उन्होंने किताबें दी, एक एक मिनट के उन्होंने, 33 सेकंड के उन्होंने अपनी बातें कही उसमें। अब एक बात बताइए, इस्कॉन का जो एक मेंबर है वो 4 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, नशा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा, जुआ लाठी सट्टा नहीं खेलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, एकादशी का व्रत रखेगा, गीता पढ़ेगा और 16 माला जप करेगा। तो इसमें तो बच्चे का कहीं रास है ही नहीं करेक्टर का। हाँ, वेद नहीं पढ़े हम ये कह सकते, तो ज्ञान में यहाँ थोड़ा सा पीछे रह गया, हम उसमें वेद और जोड़ दें उनके साथ, सोने में सुहागा। बहुत बढ़िया, वेदों के विषय में तो ये बताया कि वेद कही है, अभी बड़ी उत्तम बात कही है कि जो दिशा भ्रमित, दिक भ्रमित है हमारे युवा, कि वास्तव में युवा दिक भ्रमित हैं। ठीक है, इस्कॉन में नहीं है, इस्कॉन में हमें वहां नहीं, वहां पे कुछ होता है, विकास विकास सब जगह, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आम देखा जाए, आम जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, आम जनता के बीच में देखा जाए तो युवा वास्तव में दिक भ्रमित है, उसको दिशा की जरूरत है, और दिशा देने वाले कौन है, हम ही लोग हैं, और हम ही लोगों को उन्हें दिशा अच्छे से प्रयास, और हम मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें जी, कि आज से 50 साल पहले कि जब हम बातें पढ़ते हैं सुनते हैं, या मैं जब छोटा था उस समय की जब बात करें, तो जितनी परेशानियों से उस समय के लोगों को टेंशन होता था, आजकल के लोगों को उतनी परेशानी से डिप्रेशन होता है। तो बच्चे अवसादग्रस्त हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, तो प्रश्न उनके लिए था जो अध्यात्म से विमुख है, उनका समाधान किस तरह से किया जाए। इनमें कुछ कुछ बिंदुएं आई है कि ये किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ और बात की जा सकती है। भारत सरकार को हमें पत्र सभी को मिलजुल के मिलके इकट्ठा पत्र भी लिखना चाहिए कि 2 अक्टूबर को आप कहते हो कि आज शराब बंद रहेगी, ठीक है ना, उन्होंने एक विभाग बनाया हुआ शराब बंदी का विभाग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आती है पूरे पूरे पेज की, महात्मा गांधी का फोटो लगाते, और दूसरी तरफ शराब को बढ़ावा देने के लिए एक मद्य निषेध विभाग है और एक मद्यपान कराने वाला विभाग है, आवकारी विभाग, एक तरफ एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, एक तरफ ब्रेक पे रखा हुआ है, तो गाड़ी कैसे शूज घिसेंगे इसमें। एक मैं अनुभव शेयर करूंगा, करीब 15 साल पहले की बात बताता हूँ, एक मंदिर है जहाँ निवास है ना, उसके आसपास एक मंदिर है बड़ा सा है, तो वहाँ एक संस्कारशाला के नाम से मैंने 1.5 घंटे का प्रयास किया, 1 घंटा तो बच्चों से बात करता था, आधा घंटा उनको खेल कूद से करा था, तो पर्सन डे क्लास चलती थी, समय मुझे देना ही होता था, कोई कार्यक्रम भी मुझे छोड़ना पड़ता था। तो जब बच्चों को धीरे धीरे 4-5 मंत्र कंठस कराए, फिर अगले फिर उनको मंत्रों का अर्थ समझाया, फिर जैसे कोई जन्मदिन आया बच्चे का, तो कहा बोलो आप कल मेरा जन्मदिन है गुरु जी, तो बोले बेटा आपको कोई गिफ्ट लेना नहीं है माता जी से पिताजी से, तो पिताजी आपके कैसे हैं उनके बारे में जानकारी, बोले उससे सिगरेट पीते हैं नशा करते हैं, तो बोले बेटा आपको गिफ्ट में सिगरेट का जो पैकेट है ना वही मांग लीजिएगा, और अब आज के बाद पिताजी सिगरेट नहीं पिएंगे, यही मेरा गिफ्ट है। तो ऐसी बात है, जब 6-7 महीने 8 महीने में चली तो सारे बच्चे, बहुत बदलाव आया मैंने देखा उसमें, 20-20 साल के हम भी बच्चे ही हैं, 35 साल के लोग भी आके बैठने लगे, हम भी बच्चे ही हैं, तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में फिर क्या क्या किया कि जैसे वो टाइमिंग होता था शाम को 5 बजे का, तो फिर 4:30 बजे मंदिर का ताला लगा के पुजारी चला गया, फिर बच्चे आ रहे हैं तो उन पर पत्थर फेंक दिए गए, यानी बच्चों को भी और मेरे को भी वहां से हटा दिया गया।
तो माता पिता भी नहीं समझना चाहते। कहने का अर्थ यह है कि माता पिता भी नहीं समझना चाहते, जो जैसे मांस का प्रयोग करते हैं या जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, नशा करते हैं, गुटखा तो आप जानते ही हैं हर घर में, तो ये माता पिता भी खुद बदलाव नहीं चाहते। इसलिए हमें लगातार जो भी जहाँ रहते हैं विद्वान, लगातार हमें साप्ताहिक सत्संगों के माध्यम से कुछ जैसे कुछ ऋचाओं को लेकर के या कुछ उपनिषद लेकर के या कुछ चौपाइयों को लेकर के हम हर मंदिर में जाने का प्रयास करें, ट्रस्टियों को बात करके, तो हम बड़ों को भी समझाएं साथ में बच्चों को भी समझाएं, तो एक ये भी अपने स्तर पे प्रयास करें। तो सब एक मेरा विचार है कि इस कार्यक्रम में कई कर्मकांड करने वाले कराने वाले विद्वान आए हुए हैं। देखिए भागवत में एक आख्यायिका है कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं अदिति और अदिति। दिति से दानव पैदा होते हैं, अदिति से देवता पैदा होते हैं। क्यों? गर्भाधान संस्कार का समय उल्टा था और मानसिकता दूषित थी, तो दिति से दानव पैदा हो गए। वही अदिति ने वैदिक परंपरा के अनुसार परमात्मा का ध्यान किया तो उसे देवता पैदा हो गए। तो जो हमारे कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं वो आपस में एक संघ ये करके जो उनके यजमान हैं उनको शिक्षा दे कि भाई जैसे हमारी वैदिक परंपरा में आता है कि आपको एक वेद का विद्वान चाहिए, दो वेद का विद्वान चाहिए, कितनी प्रतिभा चाहिए, वो माता पिता के आहार विहार पर उस राति पर निर्भर करता है। जिस राति में गर्भाधान संस्कार होता है उस राति की दिनचर्या जैसी माता पिता की होती है वैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करेगा। तो एक तो हमारा ये नहीं रहा जिससे कि विकृत मानसिकता वाली संतान पैदा हो रही है, वातावरण से और प्रभावित हो रही है। जैसे हनुमान जी को भी के लिए भी जब उनके गुरु अगस्त जिस थे उन्होंने पवन और रंजना का विवाह कराया और दोनों को 12 वर्ष के लिए अलग कर दिया कि तुम अभी दोनों 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब करो, तब जो तुम्हारी संतान होगी वो रावण के विनाश में सहायक होगी। तो यदि ये तो जननी जन ये नारी निर्मात्री भी होती है, माता पिता के ऊपर है। यदि इस देश में 10-60 आदर्श माताएं हो जाएं तो पूरा भारत वैदिक युग लौट आएगा, हमारी इतने महापुरुष पैदा हो जाएंगे। शंकराचार्य के माता पिता ने कितना तप किया था। कोई भी विभूति घर में तभी आएगी, इसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमारे कर्मकांड कराने वाले जितने विद्वत बंधु हैं इस कार्य को चाहें क्या संकल्प कराएं कि भाई हमारी संतान ऐसी महान हो, विदुषी हो, इसी संकल्प के साथ पवित्र भावना से संस्कार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमारी ज्ञानपीठ की ही टीम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम अभी रखा है हमने कैरेक्टर कल्टीवेटर, जिसमें हमने एज ग्रुप अलग अलग बनाए हैं, जिस 5 से 9 और उसके बाद 10 से 13, 14 से 17 और 18 से 21, ऐसे 4-4 वर्ष का एज ग्रुप बनाया है। और हमने अलग अलग चरित्र रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक चरित्र है दान या एक है अहिंसा। दान के गुण को विकसित करने के लिए 5 से 9 वर्ष के बालक को हम क्या क्या करा सकते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाई है। एक ही उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, उसके घर में बच्चे होंगे तो वो पहले अपने बच्चे का नाम उम्र डालेगा, उसके बाद में फिल्टर करना होता है। फिल्टर मतलब आप अपने बच्चे में कौन कौन से गुण अधिक विकसित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल वो वेट लॉस करने वाले होते हैं ना, उसमें हाइट वगैरह वेट या फिर आपका जो टारगेट है वो सब सेट होता है, इसी तरह से फिल्टराइजेशन का सिस्टम है। और आपने सब डाल दिया, उसके बाद अब अगले दिन से प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक टास्क आएगा, काम आएगा कि आज के दिन आपको अपने बच्चे से इतना कराना है। जैसे मान लीजिए कि दान का गुण है विकसित करने के लिए, तो आपके पास आपके बच्चे के पास जो खिलौना है जो अभी वो प्रयोग नहीं करता है उसको किसी पड़ोसी के बच्चे को दीजिए, उसके हाथ से दिलाइए। एक टास्क हो गया, उसको एक दिन कंप्लीट करना है, तो उसके अवचेतन मन में धीरे धीरे करके ये बात घर कर जाएगी। तो एक दिन उस कैरेक्टर पर काम हुआ, अगले दिन फिर दूसरे चरित्र के लिए दूसरा कार्य दिया जाएगा। तो पूरे 365 दिन के लिए अभी हमने बनाया है और इसकी प्रक्रिया चालू है। जैसे ही ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी या फिर ऐप स्टोर पर, एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, आप में से कईयों के फ़ोन नंबर अब मेरे पास आ चुके हैं या बाकी मैं सबसे ले लूँगा, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि ये ऐप आप जहाँ कहीं भी जाते हैं एक हमारी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से भी मान्यता इसको मिल जाए या सरकार की तरफ से भी इसका एंडोर्समेंट हो ताकि सब लोगों तक ये एक मोबाइल ऐप पहुंचे, क्योंकि प्रचारक हर जगह पर नहीं पहुंच सकता है लेकिन मोबाइल की पहुंच और इंटरनेट की पहुंच आजकल सभी के हर जगह पर है, तो ये बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। और मैं ये कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, हर एक एज ग्रुप में मैं वृद्धों तक में ये कर रही हूँ कि आप अपनी बहू को कुछ गिफ्ट दीजिए, या बहू से कहती हूँ कि भाई आप अपनी सास को कुछ गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज गिफ्ट। ऐप के माध्यम से वही काम बड़े स्केल काम बड़े स्केल हो जाए। एक बात लास्ट में मैं कहता हूँ कि बच्चों में संस्कार डाले जाए। हम लोग कहते हैं कि लोग रिश्वत लेते हैं, भारतवर्ष रिश्वतखोरी में आ गया है, तो बच्चों में संस्कार कैसे हम डालते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। माँ ने तो वहीं से रिश्वत सिखा दी। पिताजी कहते हैं कि बुलेट मोटरसाइकिल या दूसरा मोटरसाइकिल तुम्हें स्प्लेंडर हीरो तब लेके दूंगा या स्कूटर तब लेके दूंगा, टू व्हीलर तब मिलेगा तुम्हें, तू मुझे अच्छे नंबर ला के दिखा कॉलेज में। रिश्वत तो वहां से शुरू हो गई, तो घर से ही तो रिश्वत शुरू हुई। दूसरा, समाचार पत्रों को और मीडिया को हमें भूलना नहीं है। जैसे आपने कहा, मीडिया शब्द कैसे प्रयोग करता है, भारत ने पाकिस्तान को 25 रनों से रौंदा, ठीक है। जब चुनाव हो रहे होते हैं तो दो आदमियों के बीच में से एक को चुनना होता है, ठीक है, और वहां क्या लिखा जाता है, महासंग्राम। ये भाषा शैली जो है इसको भी बदलने की आवश्यकता है। और हमें बिल्कुल ये सही बात है कि युवा दिग्भ्रमित इन्हीं शब्दों से होता है, और हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी। आपका ऐप बड़ा अच्छा है, साधुवाद है आपके लिए, आप इसको चलाइए, हम आपके साथ हैं, ये पूरी की पूरी टीम जो बैठी है ये आपके साथ है, हम इसको चलाएं, आगे बढ़ाएं और अपने घर से शुरुआत करके और इसका प्रकाश चारों तरफ फैलाएं।